स्विमर्स, देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा था कमेंट में कि सर जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं और ओपन हम लोग का पूल है, सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है, तो फिर क्या हम लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करें या फिर कोई सनस्क्रीन यूज़ करें? तो जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप वाटरप्रूफ सनस्क्रीन यूज़ करो। तो पहले हम जानते हैं कोकोनट क्यों लोग प्रेफर करते हैं। देखो कोकोनट ऑयल बहुत ही ईजी अवेलेबल होता है और आप लोग को ईजी मिल जाता है मार्केट में, और उस लेकिन उसका एक रीज़न ये भी है कोकोनट ऑयल ना यूज़ करने का कि उसके जो सन SPF है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो 6 ही होता है। मतलब वो प्रोटेक्ट तो करेगा आपको, लेकिन बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए करेगा। मान लीजिए अगर सनस्क्रीन 1 घंटे के लिए आपको प्रोटेक्ट कर रही है सनरेज से, तो फिर कोकोनट ऑयल 1, 2, 3, 4, 5 मिनट के आसपास ही करता है वो, क्योंकि उसका SPF फैक्टर बहुत कम होता है। और अगर सनस्क्रीन की बात करें तो जो नॉर्मल सनस्क्रीन होती है उसका जो फैक्टर होता है वो अराउंड होता है, SPF जो होता है वो 30, 40 या 50 के अराउंड होता है, जो कि कोकोनट ऑयल से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोटेक्ट भी आपको ज़्यादा करेगा। और अगर आप स्विमिंग कर रहे हो और अगर आप वाटरप्रूफ सनस्क्रीन ले रहे हो, तो वाटरप्रूफ सनस्क्रीन क्या होती है, वो थोड़ी सी और थिक होती है, मतलब थिक होगी तो जाहिर सी बात है वो आपकी स्किन को थोड़ा और देर तक प्रोटेक्ट करेगी। और सनस्क्रीन क्या होती है, वो आप लोग को यूवी रेज की जो UVA और UVB, ये दोनों से, इन दोनों से प्रोटेक्ट करता है, जिससे मतलब स्किन कैंसर का भी रीज़न होता है यही UVs, तो फिर उससे भी आपको प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। और जैसे आप स्विमिंग सीख रहे हो, तो जैसे अभी धूप पड़ रही है पानी पे, तो फिर जो पानी का सरफेस, अगर ये है ना आपकी बॉडी अगर पानी के नीचे है, तो पानी का सरफेस क्या करता है, एक लेंस का काम करता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जब लेंस पे सनरेज पड़ती है तो फिर उसका पावर, उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है, तभी आप देखते होंगे जो कागज़ जलाया जाता है वो सन की रेस और लेंस की हेल्प से जला दिया जाता है। वो सेम चीज़ आपका ये भी करता है वाटर भी, तो आपकी स्किन भी उसी से धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और डार्क हो जाती है। तो फिर अगर आप लोग को उस चीज़ से बचना है, वो आप देखिए एक रियलिटी ये भी है कि आप कम्प्लीटली नहीं बच सकते हैं, आप उस चीज़ को बहुत कम कर सकते हैं। सनस्क्रीन भी अब उस चीज़ को कम कर देगी, उसको हमेशा कम्प्लीटली नहीं सॉल्व करेगी, तो लेकिन सनस्क्रीन एक बेटर ऑप्शन है। तो अगर आप लोग को कोई सनस्क्रीन या कोकोनट ऑयल में चूज़ करना होगा, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप वो सनस्क्रीन ही यूज़ करिए, और अगर स्विमिंग पूल में आप जा रहे हो तो वाटरप्रूफ सनस्क्रीन यूज़ करिए। तो आई होप कि ये डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोग का कि आप लोग को कोकोनट ऑयल यूज़ करना है कि सनस्क्रीन यूज़ करनी है। और अगर जैसे कोई मुझसे पूछेगा कि सर वाटरप्रूफ सनस्क्रीन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि VLCC की जो मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ, वही सनस्क्रीन मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने वो यूज़ किया है और मैंने देखा है कि टैनिंग में वो काफ़ी हेल्प करता है टैनिंग को कम करने की। और जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग की हम लोग बात करें, तो जैसे ऑफलाइन ट्रेनिंग में आप लोग को अयोध्या आना पड़ेगा। एड्रेस आप देख रहे होगे, ये एड्रेस है। हॉस्टल अभी पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ है, अभी 1-2 रूम प्रिपेयर हो गए हैं, तो फिर मैं उसकी डिटेल भी जल्दी डाल दूंगा क्या फ़ीस है क्या नहीं है। और अगर ऑनलाइन आप लोग को ट्रेनिंग लेनी है जिसमें मैं वर्कआउट दूंगा और आपके जो वीडियोस होंगे उसको एनालिसिस करके आपको प्राइवेट में ही उसके एनालिसिस करके आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसके ड्रिल्स क्या है, ठीक है, और वर्कआउट किस कितने इंटेंसिटी से करना है आप लोग को, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को ऑनलाइन ट्रेनिंग में मिल जाएगी। अगर आप लोग को ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करनी होगी तो व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा है उस पर बस आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लिख के मैसेज कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।